थर्ड क्या है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंसी है ऑफ द मास्क इज वेरी लो एज इट इंटरसेप्ट ओवर 80% ऑफ बीम करंट्स। जो शेडो मास्क की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंसी है वो कम होती है क्योंकि वो 80% तो उसमें लॉस ही हो जाता है। तो इसीलिए आजकल हम क्या है, डेल्टा गन पिक्चर ट्यूब्स को हम कम यूज़ करते हैं, सिर्फ ये रिप्लेसमेंट पर्पसेस के लिए ही काम आती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रिसीजन इन लाइन कलर पिक्चर ट्यूब। इसको हम प्रिसीजन इन लाइन कलर पिक्चर ट्यूब भी कहते हैं या फिर हम इसको गन्स इन लाइन कलर पिक्चर ट्यूब भी कहते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, हर पिक्चर ट्यूब जो है उसमें वो कैसे क्लासिफाई की गई है, अपनी इलेक्ट्रॉन गन की पोजिशनिंग पे, शेडो मास्क की पोजिशनिंग पे और जिस तरीके से फॉस्फर्स उसमें अरेंज हैं। तो इस प्रिसीजन इन लाइन में क्या है, जो तीन इलेक्ट्रॉन गन्स हैं वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन में लगाई गई हैं, जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं। तो ये क्या है, इसका नाम इस वजह से गन्स इन लाइन भी है। तो द इन लाइन गन कॉन्फिग्रेशन सिंप्लीफाइज कन्वर्जेंस एडजस्टमेंट्स। जो इन लाइन गन कॉन्फिग्रेशन, जो एक ही लाइन में जो गन का कॉन्फिग्रेशन है वो हमारे क्या करता है, कन्वर्जेंस की एडजस्टमेंट को भी सिंप्लीफाई करता है। इसका मतलब हमें इलेक्ट्रॉन बीम्स को कन्वर्ज करने के लिए बहुत ज़्यादा इसकी कन्वर्जेंस मैग्नेट्स या स्टैटिक डायनेमिक कन्वर्जेंस की ज़रूरत कम पड़ती है। जो नेक्स्ट इसमें है, कलर फॉस्फर्स जो हैं दे आर डिपॉजिटेड ऑन स्क्रीन इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल स्ट्रिप्स इन ट्रायड्स आर जी बी विच आर रिपीटेड अलॉन्ग द ब्रेड्थ ऑफ द ट्यूब। जैसे कि हमने डेल्टा गन पिक्चर ट्यूब में देखा था, ऐसे इसमें भी ट्रायड्स में फॉर्म होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, वर्टिकल स्ट्रिप्स में अरेंज होता है स्क्रीन में, और जो ये क्या है, उस ट्यूब के ब्रेड्थ के अलोंग रिपीट किए जाते हैं। तो ये इसका सेकंड डायग्राम दिखाया हुआ है, जो कि फॉस्फर के अरेंजमेंट दिखाई हुई है, शेडो मास्क दिखाया हुआ है और जो थ्री इन लाइन का जो गन का अरेंजमेंट दिखाया हुआ है, और नीचे हमारी ट्यूब की माउंटिंग्स दिखा रखी है, डिफ्लेक्शन योक है, प्योरिटी और स्टैटिक कन्वर्जेंस मैग्नेट्स है। अब हम देखते हैं, ऑल द थ्री इलेक्ट्रॉन बीम्स आर ऑन द सेम प्लेन, कि जो तीनों इलेक्ट्रॉन बीम्स हैं वो एक ही प्लेन में हैं, एक ही लाइन में हैं। तो जो सेंटर में जो बीम होती है, जो सेंटर में बीम है वो ग्रीन कलर की है, इट मूव अलोंग द एक्सिस ऑफ द ट्यूब। ये क्या करती है, ट्यूब के एक्सिस के अलोंग मूव करती है। इसमें भी क्या होता है, इनवर्ट टिल्ट होता है ऑफ राइट एंड लेफ्ट गन्स। इसमें क्या होता है, राइट और जो लेफ्ट गन्स होती हैं उसका क्या होता है, इन्वर्ट टिल्ट होता है। ये इन्वर्ट टिल्ट क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम्स को जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अंदर ट्यूब में अंदर की तरफ फायर करने होते हैं। तो जो ब्लू और जो रेड बीम्स हैं ये क्या करती हैं, इस टिल्ट के कारण एक एंगल पे ट्रैवल करती हैं और सेंट्रल बीम को अपर्चर मास्क पे मिलती हैं, जबकि हमारी क्या थी, ग्रीन जो है वो सेंटर में होती है। तो हर एक जो बीम है वो अपने फॉस्फर को स्ट्राइक करती है। PIL जो ट्यूब है, इट इज़ यूज इन प्रेजेंट कलर रिसीवर्स ड्यू टू इट्स हाई एफिशिएंसी। हाई एफिशिएंसी का क्या मतलब है, कि इसकी हायर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंसी है, कि मतलब जो शेडो मास्क पे जो हमारे नंबर ऑफ हमें इलेक्ट्रॉन जो ट्रायड्स हमें मिले या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम्स जो स्ट्राइक की वो क्या है, जैसे उसमें डेल्टा गन में 20% था तो इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। इसमें से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम्स हैं वो ज़्यादा पास होती हैं और वो ज़्यादा उसको ट्रायड को हिट करती हैं। तो इसमें क्या है, एक तो एफिशिएंसी ज़्यादा है, हायर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंसी है और इसमें कन्वर्जेंस की कम प्रॉब्लम्स है। तो आजकल जो हम देखते हैं वो आजकल जो हम यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर PIL उसका ट्यूब्स का यूज़ करते हैं, PIL और ट्रेनट्रॉन ट्यूब्स का। इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं, प्योरिटी एंड स्टैटिक कन्वर्जेंस। प्योरिटी और स्टैटिक कन्वर्जेंस हम कैसे ऑप्टेन करते हैं, मल्टीपल परमानेंट मैग्नेट यूनिट्स आर प्रोवाइडेड टू करेक्ट स्मॉल एरर्स ड्यू टू माउंटिंग एंड स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड्स एंड टू अचीव कलर प्योरिटी। अब जो इसमें भी क्या करते हैं, हम परमानेंट जो मैग्नेट यूनिट्स हैं, काफ़ी सारे परमानेंट मैग्नेट हम लगा देते हैं, ताकि अगर मान लो कुछ माउंटिंग के कारण, कुछ हमारी मैग्नेटिक फील्ड या स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड के कारण कुछ डिस्टॉर्शन है या कुछ प्रॉब्लम है, तो या कुछ कलर प्योरिटी की प्रॉब्लम है, तो इसलिए हम परमानेंट मैग्नेट्स का यूज़ करते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, स्टैटिक कन्वर्जेंस यूज़ करते हैं और जो हॉरिजॉन्टल रेस्टे लाइंस की, ताकि वो स्ट्रेट हमें लाइंस दिखाई दे। नेक्स्ट है हम कन्वर्जेंस एरर्स। कन्वर्जेंस एरर्स जैसे कि हमने देखा कि ये नॉन ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफ्लेक्शन फील्ड के कारण होता है। जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, डिफ्लेक्शन जिस तरीके से होता है, डिफ्लेक्शन कॉइल्स में से,
वो अगर प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है उस ट्यूब में, तो उसके कारण हमें कन्वर्जेंस एरर्स मिलते हैं। फर्स्ट होता है हमारा एस्टिगमेटिज्म। एस्टिगमेटिज्म क्या है, इसको हम अवॉइड करने के लिए ज़्यादातर हमारा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एस्टिगमेटिज्म हमें दिखता है। इसका जो हॉरिजॉन्टल जो फोकस है वो हमारा एक लाइन नहीं होना चाहिए बल्कि एक पॉइंट होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं, जैसे कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, कि एक वर्टिकल फोकस लाइन है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और बीच में हमने डॉट दिखाया हुआ है। तो ये जो आर पी क्यू पॉइंट्स जो हैं, इसके कारण तो हमें एक मिलती है वर्टिकल प्लेन मिल जाता है, और जो आर जी बी के कारण हमें एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन मिलती है, कई बार क्या होता है कि स्क्रीन के पीछे चली जाती है। तो ये लाइन ना होने के बजाय बल्कि हमें एक पॉइंट मिलना चाहिए, जो कि हमें हमारे ये जो स्क्रीन पे ही हमें वो हॉरिजॉन्टल उस पे पॉइंट पे फोकस करे, उस पे वो बीम पड़े। तो इसलिए हम एस्टिगमेटिज्म को, एस्टिगमेटिज्म एक कन्वर्जेंस एरर है, इसको हम अवॉइड करने के लिए हम क्या चाहते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल फोकस है वो एक पॉइंट पे आए, ना कि एक लाइन पे, और वो लाइन जो है वो स्क्रीन के पीछे ना जाके स्क्रीन पे ही आए, स्क्रीन पे पॉइंट फॉर्म में आए, जिससे हमें हॉरिजॉन्टल लाइंस और वो अच्छे से दिखाई दें। नेक्स्ट है हमारा कॉमा इफेक्ट। ये भी एक तरीके का कन्वर्जेंस एरर है। कॉमा एक डिस्टॉर्शन है, वेयर सेंटर बीम डिफ्लेक्शन इज लेस और मोर देन दी साइड बीम्स, रिजल्टिंग इन मिस कन्वर्जेंस ऑफ बीम्स। कॉमा इफेक्ट में क्या होता है, ये भी एक डिस्टॉर्शन है जिसमें जो सेंटर बीम के जो रिफ्लेक्शन है वो या तो साइड बीम से कम होती है या ये बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण हमारी जो सेंटर पे ना पड़ के बीम वो क्या होती है, मिस कन्वर्ज हो जाती है। तो दिस लीड्स टू कॉमा इफेक्ट। नेक्स्ट टॉप है हमारा इसमें फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ऑप्टिमम कन्वर्जेंस। अब हमारा कन्वर्जेंस ऑप्टिमम हो, मतलब बराबर से हो कन्वर्जेंस, तो उस तरीके से हमारा फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो, तो करेक्ट फॉर मिस कन्वर्जेंस ड्यू टू एस्टिगमेटिज्म, द फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन एट द गन एंड इज बैरल शेप हॉरिजॉन्टली एंड पिन कुशन वर्टिकली। ये हमने डायग्राम्स दिखाए हुए हैं पिन कुशन फॉर्म में और एक बैरल शेप में दिखाया हुआ है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे ये जो एरर्स हैं, एस्टिगमेटिज्म एरर्स, ये हमारे ना हो, तो हमारा जो गन एंड पे, जो इलेक्ट्रॉन गन्स की जहाँ पे एंड है उसकी पोजिशनिंग पे वो क्या हो, जो फील्ड हो वो हमारा बैरल शेप का हो हॉरिजॉन्टली, और वर्टिकली हमारा किस शेप का हो, पिन कुशन शेप का हो। ये हमारा फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया हुआ है फॉर हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन और वर्टिकल डिफ्लेक्शन, ताकि हमारा जो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली क्या है, प्रॉपर डिफ्लेक्ट हो। नेक्स्ट है ट्रिनट्रॉन कलर पिक्चर ट्यूब। ट्रिनट्रॉन कलर पिक्चर ट्यूब क्या थी, सोनी कॉरपोरेशन ने डेवलप की थी जापान में अराउंड 1970। इसमें क्या होता है, ट्रिनट्रॉन में सिर्फ एक सिंगल गन होती है, हैविंग थ्री इन लाइन कैथोड सिंप्लीफाइंग कंस्ट्रक्शन। उसमें हमने देखा कि तीन हमारे जो इलेक्ट्रॉन गन्स थे, इसमें क्या है, सिंगल गन है लेकिन इसमें थ्री इन इन लाइन क्या है, कैथोड्स हैं, जिससे हमारी कंस्ट्रक्शन क्या है, सिंप्लीफाई हो जाती है। द थ्री फॉस्फर ट्रायड्स आर अरेंज इन वर्टिकल स्ट्रिप्स एज इन पीआईएल ट्यूब। जो थ्री फॉस्फर अब जो ट्रायड्स हैं ये क्या है, वर्टिकल स्ट्रिप्स में अरेंज किए गए हैं, जैसा कि हमने देखा था पीआईएल ट्यूब में। देख, अपर्चर मास्क क्लोज टू स्क्रीन हैज वन वर्टिकल स्लॉट फॉर ईच फॉस्फर ट्रायड। जो अपर्चर मास्क, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उसमें एक वर्टिकल, हमने उसमें देखा था एक होल होता है, इसमें क्या होता है, एक वर्टिकल स्लॉट होता है फॉर ईच फॉस्फर ट्रायड। तो जब इलेक्ट्रॉन बीम्स निकलेंगी तो एक वर्टिकल स्लॉट में से वो बीम्स निकल के और एक फॉस्फर ट्रायड पे पड़ेंगी। इट हैज़ ग्रेटर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंसी एज कम्पेयर टू डेल्टा गन और पीआईएल ट्यूब्स। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन बीम्स शेडो मास्क पे पहुंचते हैं और शेडो मास्क से वो फर्दर फॉस्फर्स पे स्ट्राइक करते हैं, वो क्या है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम्स हैं या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा स्ट्राइक कर रहे हैं और ज़्यादा हमारे फॉस्फर्स पे पड़ रहे हैं। इसका मतलब हमें जो पिक्चर की जो क्वालिटी है और जो पिक्चर का जो प्योरिटी है वो अच्छे से नज़र आते हैं। ठीक है, ये कैथोड्स इन लाइन दिखाया हुआ है, और फिर ऐसे ही इसका जो है वर्टिकल स्ट्रिप्स में इसका रेड ग्रीन ब्लू का ट्रायड दिखाया हुआ है, अपर्चर मास्क और थ्री इन लाइन कैथोड्स दिखाए हुए हैं, और नीचे इसका कन्वर्जेंस दिखाया हुआ है, तीन कैथोड्स हैं, फिर हमारे ये कंट्रोल ग्रिड है, फोकस ग्रिड है, कन्वर्जेंस प्लेन्स है, और फिर हमारे वो अपर्चर मास्क में स्ट्राइक करते हैं और फाइनली फॉस्फर स्क्रीन पे स्ट्राइक करते हैं।
अब जो तीन बीम्स हैं इसमें हमने देखा कि ये जो तीन बीम्स हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस सिस्टम से बेंट हो रही हैं। ये जो बीम्स हैं उनमें कॉमन फोकस प्लेन है, तो कॉमन फोकस प्लेन होने के कारण हमारे क्या है, जो हमें इमेज मिल रही है वो शार्प इमेज मिल रही है विद गुड फोकस ओवर एंटायर पिक्चर एरिया। तो इसके वजह से जब हमें शार्प इमेज मिलती है तो हमारी कन्वर्जेंस प्रॉब्लम्स भी कम है, इसीलिए हमें कम एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, विच इज़ अ गुड थिंग। तो इसका मतलब जो ट्रिनट्रॉन में है उसमें जो औरों के जो डेल्टा गन के और जो पीआईएल के ड्रॉबैक्स थे वो इसने ओवरकम किए गए हैं, तो ये जो ट्रिनट्रॉन है ये उनसे बेटर है। जो लेटेस्ट इसका वर्जन है ट्रिनट्रॉन का वो 1978 में आया था, और इसमें क्या था, लो मैग्निफिकेशन इलेक्ट्रॉन गन असेंबली थी इसमें, लॉन्ग फोकसिंग इलेक्ट्रॉड्स का यूज था, लार्ज अपर्चर लेस लेंस सिस्टम यूज किया गया था, जिससे क्या हो रहा था, हमें हाई क्वालिटी पिक्चर दिख रही थी विद वेरी गुड रेजोल्यूशन ओवर लार्ज स्क्रीन ट्यूब्स। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारा एक सिस्टम है पैल फेज ऑल्टरेशन बाय लाइन कलर टेलीविजन सिस्टम्स। अब हमारे पास तीन सिस्टम्स हैं, एक होता है एनटीएससी नेशनल टेलीविजन सिस्टम्स कमेटी, जो कि अमेरिका ने इसको डिस्कवर किया था या अमेरिका में ये ज़्यादा यूज़ होता है। एक है पैल, जो कि जो एनटीएससी सिस्टम है वो 525 लाइन पे बेस्ड है, और जो पैल सिस्टम है वो हमारा 625 CCIRB ये फॉलो करता है। तो इंडिया में जो है वो हमारा पैल सिस्टम फॉलो होता है, और ये जो पैल सिस्टम है इसमें क्या है, और एक होता है हमारा जो पैल सिस्टम है वो जर्मन ने डेवलप किया था, और एक है हमारा सिकैम सिस्टम जो कि फ्रेंच में उसको फॉलो करते हैं। तो ये नंबर ऑफ जितनी हमें हॉरिजॉन्टल लाइंस या फ्रीक्वेंसीज पे ये हमारे सिस्टम्स बेस्ड होते हैं। तो जैसे हमने पढ़ा एनटीएससी में 525 लाइन बेस्ड है, जो पैल सिस्टम है ये 625 लाइंस हैं इसमें, और इसमें क्या है, दो तरीके के पैल सिस्टम्स होते हैं, पैल बी और पैल जी सिस्टम्स। पैल बी सिस्टम में क्या होता है, जो हम हर एक चैनल को बैंडविड्थ एलोकेट करते हैं वो 7 MHz की करते हैं, और जो लेकिन हमारे इसमें दो चैनल्स के बीच में हम कोई भी इसको विड्थ जो है बैंड गैप इसको नहीं देते हैं, जबकि जो पैल जी सिस्टम है उसमें हर एक चैनल को कलर टेलीविजन्स में 8 MHz की इसको फ्रीक्वेंसी अलॉट होती है, और इसमें जो हर एक दो चैनल्स के बीच में हम 1 MHz का इसमें डिफरेंस, 1 MHz की बैंडविड्थ छोड़ते हैं। तो ये जो पैल सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे, इस पैल सिस्टम में क्या हुआ, इसने एनटीएससी जो कि अमेरिका ने का सिस्टम है 525 लाइन बेस्ड, उसमें क्या होता था, जब हम ट्रांसमिट करते थे और जो ट्रांसमिशन हमारा पाथ होता था उसमें हमारे क्या होते थे, फेज एरर्स आ जाते थे। फेज एरर्स आने के कारण हमें जो ह्यू है इसका और जो प्योरिटी है कलर क्वालिटी या कलर पिक्चर उसकी, वो हमें अच्छी क्वालिटी की नहीं होती थी। तो इसलिए इसमें क्या है, एक तो उसने एनटीएससी की फेज एरर की ससेप्टेबिलिटी को, फेज एरर्स को कम किया गया है, तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है एनटीएससी सिस्टम्स के ऊपर। अब हम इसके पैल सिस्टम्स के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। जो वेटेड वी माइनस वाई आर माइनस वाई सिग्नल्स, ये क्या है, हमारे कलर डिफरेंस सिग्नल्स, दे आर मॉड्यूलेटेड विदाउट बीइंग गिवन फेज शिफ्ट ऑफ 20-33 डिग्रीज एज इन एनटीएससी सिस्टम। अब ये जो हमारे सिग्नल्स हैं, जो हमारे कलर डिफरेंस सिग्नल्स हैं, इनको मॉड्यूलेट किया जाता है विदाउट बीइंग गिवन, जैसे कि हम एनटीएससी सिस्टम में इनको 33 डिग्रीज का फेज शिफ्ट देते थे, ऐसा इसमें नहीं किया जाता, इनको सिंपल मॉड्यूलेट किया जाता है। अब जब हम इनको मॉड्यूलेट करते हैं तो जो दोनों ये जो कलर डिफरेंस सिग्नल्स हैं, जो क्वाड्रेचर सिग्नल्स हैं, दे आर अलाउड द सेम बैंडविड्थ ऑफ अबाउट 1.3 MHz, रिजल्टिंग इन बेटर कलर रिप्रोडक्शन। जो ये जब मॉड्यूलेशन के बाद जो ये कलर डिफरेंस सिग्नल्स हैं उनको कितनी बैंडविड्थ दी जाती है, 1.3 MHz की, जिसके कारण इसमें जो कलर रिप्रोडक्शन है वो बेटर हमें मिलता है। जो कलर सब कैरियर फ्रीक्वेंसी है इसमें हम लेते हैं 4.433-6185 MHz की, तो ये क्या है, एक ऑड मल्टीपल है ऑफ 1/4 ऑफ द लाइन फ्रीक्वेंसी इंस्टेड ऑफ हाफ लाइन ऑफसेट इन द एनटीएससी सिस्टम। एनटीएससी सिस्टम में क्या करते थे, हम हाफ लाइन को ऑफसेट लेते थे, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो लाइन फ्रीक्वेंसी है, जो हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी है, उसका 1/4 जो है उसका ऑड मल्टीपल लेते हैं। तो ये उस वो फ्रीक्वेंसी लेते हैं, ये फ्रीक्वेंसी जो हम ले रहे हैं इससे हमारा क्या होता है, जो हमारा डॉट पैटर्न इंटरफेरेंस हो रहा था
जो हमारी एक इंटरफेरेंस हो रही थी उससे इसके इस फ्रीक्वेंसी से हमारे वो कैंसिलेशन हो जाता है। तो जो वेटेड बी एन माइनस वाई आर माइनस वाई सिग्नल्स जो हैं दे आर मॉड्यूलेटेड विद द सब कैरियर इन सेम वे एज इन एनटीएससी, बट द फेज ऑफ सब कैरियर टू वी मॉड्यूलेटर इज रिवर्स फ्रॉम प्लस 90 डिग्री टू माइनस 90 डिग्री एट लाइन फ्रीक्वेंसी। अब जो ये बीम कलर डिफरेंट सिग्नल्स हैं इनको सब कैरियर के साथ उसी तरीके से मॉड्यूलेट किया जाता है। इसका मतलब जो इसका मॉड्यूलेशन जो इसका एम्पलीट्यूड है वो तो सेम रहता है, लेकिन जो इसका फेज है सब कैरियर का किसी भी एक मॉड्यूलेटर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम वी मॉड्यूलेटर ले रहे हैं, जब हम बी माइनस वाई और आर माइनस वाई सिग्नल्स को किसी भी वेइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास दो इनका हम नाम दे देते हैं यू और वी, जिस जो कि हमें क्या देते हैं वी आर रेड उसकी वोल्टेज देते हैं या वी वाई या वी हमें वो मिलती है। तो एक मॉड्यूलेटर को जो एक मॉड्यूलेटर है जैसे कि वी मॉड्यूलेटर हमने ले लिया फॉर एग्जाम्पल, उसका जो फेज है वो रिवर्स किया जाता है फ्रॉम 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री टू माइनस 90 डिग्री एट लाइन फ्रीक्वेंसी। तो इसलिए इसका जो सिस्टम का जो नाम है वो इस तरीके से डिराइव किया गया है कि एक लाइन में तो क्या होता है, इसलिए इसको हम फेज ऑल्टरेशन बाय लाइन कहते हैं, क्योंकि एक लाइन में हम इसको लाइन फ्रीक्वेंसी पे प्लस 90 डिग्री रखते हैं और एक लाइन में माइनस 90 डिग्री रखते हैं। तो इसके कारण क्या है, इसका मतलब हमारा क्या है फेज ऑल्टरेशन बाय लाइन में, कि सिर्फ यहाँ पे हम फेज चेंज कर रहे हैं, हमारा जो एम्पलीट्यूड होता है वो सेम रहता है। इट कैंसल्स ह्यू एरर्स रिजल्टिंग फ्रॉम अनइक्वल फेज शिफ्ट इन द ट्रांसमिटेड सिग्नल। ये जो फेज ऑल्टरेशन बाय लाइन मेथड है इसमें क्या होते हैं हमारे ह्यू एरर्स हमारे कैंसिल होते हैं, और ह्यू एरर्स किसकी वजह से रिजल्ट होते हैं, जो भी ट्रांसमिटेड सिग्नल में अनइक्वल फेज शिफ्ट्स थी उसकी वजह से जो एरर्स रिजल्ट हो रहे थे वो फेज ऑल्टरेशन बाय लाइन में हमारे क्या हैं कैंसिल हो रहे हैं। अब हम क्रोमिनेंस पढ़ रहे हैं पैरेलल सिस्टम की, सी पी एल इज इक्वल टू यू साइन ओमेगा एस टी प्लस माइनस वी कॉस ओमेगा एस टी। यू और वी हमने जैसे पढ़ा कि आर माइनस वाई और बी माइनस वाई को जब हम किसी मॉड्यूलेट कर किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें यू एंड वी हम उनका नाम दे देते हैं, और दैट कम्स आउट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा एस टी प्लस माइनस थीटा, जहाँ पे टेन टेन थीटा क्या है वी बाय यू। अब जो स्विचिंग एक्शन है जो वो हमारा कब अकर होता है, ड्यूरिंग द लाइन ब्लैंकिंग इंटरवल टू अवॉइड विजिबल डिस्टर्बेंस। जो स्विच एक्शन है इस मतलब वो हमारा कब हो रहा है, जब एक ब्लैंकिंग इंटरवल में जब एक लाइन से जब दूसरे लाइन में आती है और एक ब्लैंकिंग हम पल्स देते हैं तो उसमें हमारा क्या होता है स्विचिंग एक्शन होता है, जिसके कारण हमें कोई भी जो विजिबल जो डिस्टरबेंस है जो कि दिखाई देनी चाहिए उस टाइम पीरियड में वो दिखाई नहीं देती है। क्योंकि अगर हमारा स्विचिंग एक्शन तभी होगा कंजेकेटिवली तो हमें वो डिस्टरबेंस दिखाई देगी। अब हम पढ़ रहे हैं पैल बर्स्ट। अगर पैल सिग्नल को हम एनटीएसी के टाइप के डिकोडर में अप्लाई करते हैं तो जो बी माइनस वाई जो आउटपुट है वो किसके बराबर आता है यू के, और आर माइनस वाई आउटपुट आता है जो आर माइनस वाई आउटपुट है वो ऑल्टरनेट करता है प्लस वी और माइनस वी से फ्रॉम लाइन टू लाइन। तो जो वी डी मॉड्यूलेटर है इट मस्ट बी स्विच्ड एट हाफ द हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रीक्वेंसी, हॉरिजॉन्टल मतलब लाइन फ्रीक्वेंसी रेट, टू गिव प्लस वी ओनली ऑन ऑल सक्सेसिव लाइन्स। इसलिए हम क्या करते हैं जो वी का डी मॉड्यूलेटर को उसको स्विच इस तरीके से किया जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रीक्वेंसी के रेट पे उसको हम वो करते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रीक्वेंसी होती है जब उसकी हाफ उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उस पे हम इसको स्विच इसकी स्विचिंग करते हैं टू गिव ताकि हमें प्लस वी मिले ओनली ऑन ऑल सक्सेसिव लाइन्स। और जो कलर बर्स्ट है मतलब जो हम 10 साइकिल्स दे रहे हैं इतने 4.43 मेगाहर्ट्ज़ की उस पे फ्रीक्वेंसी पे,